और रायपुर से ही अगली बड़ी खबर, हार पर कांग्रेस समीक्षा बैठक करेगी। कल ये बैठक होगी, दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी, राष्ट्रीय स्तर पर हार के कारणों पर चर्चा होगी। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक होगी, कुमारी शैलजा, दीपक बैज, भूपेश बघेल शामिल होंगे। और हेमंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत, जो परिणाम सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में वो चौंकाने वाले थे, बीजेपी को बहुमत मिला और ना सिर्फ बहुमत, कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, बहुत ज्यादा चिंतन मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को इस समय। और देखिए, निश्चित तौर पर हार की समीक्षा तो करनी ही पड़ेगी कि हार के कारण क्या रहे। वैसे प्रमुख तौर पर देखा जाए तो जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं, जो वजह सामने आया है वो सबके सामने है। जिस तरीके से सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरीके से मंत्री, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान आया और उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आया, दोनों के बयान अलग अलग हैं और इस तरीके की स्थिति कांग्रेस में दिखती भी है, दिखती भी है। लेकिन इन सब के बीच हार की समीक्षा करनी होगी और ये संतुष्टि खुद को देनी होगी पार्टी को कि ठीक है, इस बार हार का सामना करना पड़ा, कई चीजें रही, कई फैक्टर रहे, लेकिन फिर भी जो अच्छे खासे विधायक हैं, जीत कर आए हैं, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाना चाहेगी कांग्रेस। हार की समीक्षा के लिए ये होता था पहले की स्थानीय स्तर पर, यदि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में समीक्षा की जाती थी, लेकिन जिस तरीके से जब से मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तब से कई बदलाव देखने को मिला है। हर चीजों को लेकर दिल्ली में ही मीटिंग होती है और हार की समीक्षा छत्तीसगढ़ को लेकर कल की जाएगी। 8 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रवाना होंगे, दीपक बैज भी उनके साथ रवाना होंगे। पहले से दिल्ली में कुमारी शैलजा, जो प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी है, वो मौजूद है। इस बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। हार की वजह क्या थी प्रमुख तौर पर, उसको वहां पर देखा जाएगा, समीक्षा की जाएगी और कई सारे निर्देश, विपक्ष किस तरीके से वहां पर काम करेगा, विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, तमाम चीजों को लेकर चर्चा वहां पर होगी। क्योंकि कांग्रेस ने भी इस चुनाव में काफी दमखम दिखाया था, काफी अच्छे से कैंपेनिंग कांग्रेस ने किया था, तमाम राष्ट्रीय नेताओं ने यहाँ पर डेरा डाला था, लेकिन उसके बावजूद जो रिजल्ट आया है उसकी कल्पना खुद कांग्रेस ने की थी। हमें जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पूरी तरीके से इस रिजल्ट के बाद शॉक्ड नजर आए कि इस तरीके का रिजल्ट कैसे आया है, क्योंकि जो अंडर करंट है उसको बिल्कुल समझ नहीं पाई कांग्रेस। और बार बार पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह इस बात को कहते रहे कि छत्तीसगढ़ में अंडर करंट है, छत्तीसगढ़ में अंडर करंट है और ये रिजल्ट कांग्रेस के विपरीत आएगा। रमन सिंह भली समझ गए थे, आहट उनको एक तरीके से मिल गई थी, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता ये समझ नहीं पाया कि जनता ने अंडर करेंट एक तरीके से दिया और उनकी सरकार चली गई। बिल्कुल हेमंत, और हार की तो समीक्षा आज होगी ही कल, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर भी बड़ी बैठक हो सकती है, क्या वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हो सकती है? देखिए, चूंकि विधानसभा चुनाव में हार जिस तरीके से मिली है उसको लेकर समीक्षा होगी, काफी विस्तार से बातचीत होगी सभी नेताओं से और निश्चित तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, तो वरिष्ठ नेताओं के द्वारा यही निर्देश दिया जाएगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम नेताओं को कि ठीक है, अब हार को भुलाकर, हार की समीक्षा तो हो ही रही है, हार को भुलाकर अब 2024 लोकसभा की भी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। तमाम निर्देश जो निश्चित तौर पर आलाकमान से मिलेगा, कांग्रेस की कोशिश भी होगी क्योंकि 11 लोकसभा की सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, हर बार पीछे रहती है कांग्रेस। 2014 में मात्र एक सीट मिला था, 2019 में लोकसभा की 2 सीटें कांग्रेस की झोली में आई थी, तो कोशिश कांग्रेस की रहेगी कि इस हार को भुलाकर 2024 लोकसभा की तैयारी की जाए और 11 लोकसभा सीटें में सर्वाधिक सीटें कांग्रेस जीते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी के लिए।